बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको भिंडी बता रही हूँ नए तरीके से। बिल्कुल आपने मेरे चैनल पे बहुत सारी किस्म की देखी होंगी भिंडियाँ। ये मैंने लिए 500 ग्राम भिंडियाँ, देखे बड़ी बड़ी तरह अच्छी साफ सुथरी। इन्हें मैंने धोया और कपड़े से पोंछ के बिल्कुल खुश करके रख दिया। अब मैंने क्या किया है कि ये देखें, ये पानी रखा मैंने पैन में और ये इसमें मैं एक चम्मच डाल दूँगी नमक का, ये ना पानी में, और पानी बन रहा है और मैं इसमें ये भिंडियाँ डाल दूँगी। आप कहेंगे ये कौन सा तरीका भाई भिंडी इस तरह बनाने का। ये देखें ये उबलने को हो रहा है, मैं इसमें डाल दूँगी और पैन में ये इससे हिलाती रहूँगी चम्मच से ना, ये इसको डाल के ना यूँ और यूँ, ताकि सब जगह से अच्छी तरीके से नरम हो जाए, नरम भी हो जाए और मज़ेदार भी लगेंगी। ये देखें इस तरह से पक के, और इसके अंदर जो नमक डालने से ना जो रह जाता है ना केमिकल वगैरह, खूब जितना मर्जी आप सब्जियों को धो लें कहीं ना कहीं से रह जाता है। आलू में भी स्टार्च निकालना पड़ता है बार बार धो के, और ये भिंडी में नमक डाल के या किसी सब्जी को आप करेंगे तो उसका जो सारा गंद होगा ना वो नीचे बैठ जाएगा। तो हम इसे छान के निकाल लेंगे। ये देखें ये पानी उबल गया है, ये इसमें कई मिनट से पड़ी हुई है और मैंने इसको कवर भी कर दिया था। मैं इसको बंद कर रही हूँ आज को, और इनको इस तरह हिला के ना, ये देखें ये मैं इसको इस तरीके से ना यूँ करके इस तरह निकाल रही हूँ। बहुत मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है, आप भी एक बार बनाएंगे बार बार दिल चाहेगा। ये बहुत मज़ेदार बनती है, आपने मेरे बहुत सारी चैनल पे देख ली होंगी कि रेसिपी मैं वो नई नई बना, बच्चों को घर वालों को नए तरीके, एक ही चीज़ खा के बंदा बोर हो जाता है तो अलग अलग तरीके से बना के बच्चों को दें घर वालों को दें, सब खुश हो जाएंगे। आपसे आपको कहेंगे थोड़ी तो मज़ेदार आप कैसे बना रहे हैं, कहाँ से सीख रहे हैं ये आप लोग, पहले तो ऐसी नहीं बनती थी चीज़ें कि भिंडी में किसी ने सुनाओ कि अंडे डालते हो। आज मैं आपको भिंडी में अंडे दिखाऊंगी। और ये देख रहे हैं आप पानी, ये देखें पानी सारा गंद और वो जो होता है ना केमिकल लगा ये सब इससे निकला है। मैंने तो आपके सामने साफ पानी डाला था और नमक डाला था, ये देखें केमिकल निकला है। मैंने आज बंद कर दिया, अगर पानी ठंडा हो जाएगा तो हम इसको निकाल के और फिर अपना काम शुरू करते हैं। इतने में आपको और चीज़ें दिखाती हूँ, देखें ज़रा खुश हो के सही हो जाए, फिर इसको हमने काटना है वो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह कटेगा। ये देखें मैंने चार अंडे डाल लिए, इनको मैं यूँ करके फेंट लूँगी इस तरीके से अच्छे तरीके से। और ये आपके पास ग्रीन प्याज हो तो वो वाली आपने डाल लेनी है अंडे के स्टाइल में काट के, और नहीं है तो इस तरह ये वाली डालनी है अगर नहीं है आपके पास इस वक्त। ये देखें ये डाल लें आप, ये इसमें डाल लें, इसको खूब मिक्स करें। और इसके बाद आपने ये देखें मैंने दो टमाटर लिए, मेरे पास बड़ा टमाटर था तो मैंने एक बड़ा और एक छोटा ले लिया। तो ये देखें मैंने इसके बीज डिस्कार्ड कर दिए बिल्कुल, और उनको छोटा छोटा बिल्कुल काट लेना है। चार मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया। ये देखें ये मैं डाल ये मैंने डाल ली है, और उसके बाद क्या करना है इनको भी इस तरीके से फेंट लेना है। एक आधा रह ही जाता है इस तरह कटने में, कटने में कटिंग में। ये देखें ये आपने इस तरह खूब करना है। अब ये जो है ना मैंने मसाला लिया, एक चम्मच सफ़ेद नमक है, ये कुटी मिर्च है पौना चम्मच, ये हल्दी का चम्मच आधा, ये पीसी मिर्च है, ये गरम मसाला आधा चम्मच, और जो है ना मेरे कश्मीरी मिर्च नहीं थी नहीं मुझे वो डालनी थी, उससे कलर अच्छा आ जाता है इस वजह से डालते हैं तो वो मैं नहीं डाल सकी। आपके पास हो आप डाल लें, नहीं है स्क्रिप कर दें कोई बात नहीं। और ये मैं ये सब डाल के ना इसे फेंट के रख लेंगे, और अब ये भिंडी इतने खुश्क हो जाएगी पानी में से निकल के। इसको इतना फेंटना है आपने कि ना ये सारे मसाले सब चीज़ों पे अंडे में वो हो जाए मिक्स, ये ना हो कि कहीं है कहीं नहीं है अंडा,
और इसी तरह आपने ये देखिए ये फेंट के आपने रख लेने ताकि आपका काम कम होता जाए। और उसके बाद अब भिंडियाँ खुश्क होंगी, मैंने पंखे के आगे रखी हुई हैं ताकि वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, फिर हम उसको निकाल के कटिंग करते हैं, वो आपको दिखाते रहेंगे साथ के साथ। ये देखें ये मैंने काट ली हैं, बड़ी हो तो आप तीन तीन भी काट सकते हैं, दो दो भी काट सकते हैं, छोटी हो तो एक के दो टुकड़े कर लें आप। ये देखें आपने बस इस तरह रखनी है, मैंने ऊपर नीचे काट लिया, बीच में चीरा दे लिया, वो मैंने आपको दिखाया कि इस तरह चीर के, ये देखना आपने कि ख़राब तो नहीं है। इसके लिए हम चीर देते हैं बीच में से भिंडी को और फिर काटेंगे तो ये रहेगा हमें कि कोई गंध नहीं है। हमने अपने हाथ से सब कुछ चेक करके और ये करिए, ये देखें ये हो गई हैं जितनी भी, ये छोटी है मैं इसके दो पीस कर रही हूँ, ये हम इसमें डालते रहेंगे, ये काट काट के हम इसमें डाल रहे हैं। ये देखें अब ये ज़रा से रह गए, ये काट के मैं आपको दिखाती हूँ फिर हम क्या करते हैं। ये देखें ये छोटी हैं मैं इनके दो कर रही हूँ, अब जो बड़ी हैं उनके तीन तीन कर रही हूँ। ये मैंने भिंडी काट ली टुकड़ों में, ये देखें पहले बीच में से चीरी कि कोई कीड़ा वगैरह कोई कुछ तो नहीं। अब ये जो अंडे मैंने आपके आगे चार फेंटे थे, ये मैंने प्याज टमाटर छोटे छोटे हरी मिर्च और सब मसाले जो गरम मसाला नमक छोटी मिर्च सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया। और डालने के बाद अब मैं इसमें खूब अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि भिंडी इसमें कोट हो जाए अच्छी तरह, ये ना हो कि कोई भिंडी फीकी रह जाए कोई अंडों वाली बन जाए। इसको इस तरह बना लिया मैंने खूब अच्छी तरह, ये देखें आपने जितना कर सकते हैं ना इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखें प्याज टमाटर बार बार आपको बता रही हूँ आपने क्योंकि बहुत मज़ेदार बनने वाली है, एक चीज़ भी आपने स्क्रिप कर दी तो बस समझे खाए हो गए, मज़ा नहीं वो आएगा। हाँ बस प्याज का है कि आप हरी प्याज है तो आप वो डालें दो से तीन पूरी आल समेत जो उसके पीछे डंडी होती है वो भी और प्याज भी, और ना हो तो आप ये सफ़ेद वाली प्याज काट लें और इसे अंडों में डाल के टमाटर ये हरी मिर्चें सब कुछ कर लें, चाहे तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और अब आपने इस तरह मैंने ऑयल डाल दिया मसाले जो आप अपनी मर्ज़ी से जो अंडे में मैंने डाले वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं जो आपको तेज लगते हो। और इसमें भी ये देखें मैंने एक चम्मच जीरे का लिया है, आधा चम्मच आधा नहीं बल्कि आधे से भी कम मैंने ये अजवाइन ली है, इसको हाथ से मसल के आपने रखना है। कलौंजी की भी दो चुटकी हैं, ये आप दरूद शरीफ पढ़ के डाला करें, ये सुन्नत है। तो ये मैंने ऑयल गर्म हो गया अब इसमें ये डाल रही हूँ, ये जब कड़कड़ाने लगेगी ना ये देखिए हो रहा है ना, ये देखिए तो इसमें मैं ये अंडे और भिंडी डाल दूँगी और इसे खूब अच्छे तरीके से आपने करना है जब तक के ऑयल ऊपर ना आ जाए, क्योंकि अंडे जब तक नहीं बनते जब तक दोबारा वो निकलने लगेंगे। ये देखिए ये बन रहा है, ये हो रहा है चटक रहा है, कलौंजी भी जीरा भी और अपने दरूद शरीफ पढ़ के डालना हमेशा, कलौंजी किसी चीज़ में डालें आप किसी चीज़ पर लगाएं, बाकर खानी या नान बनाते हुए या किसी और चीज़ पर आपको पसंद हो डालना हो, अचार के लिए मसाला बना के रखें उसमें भी दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें आप, क्योंकि ये सुन्नत की चीज़ है। अब ये देखें कड़कड़ाने लग गया तो हम इसमें कच्चा मज़ा ना रहे बस ये इसलिए ज़रा सब करना है। ये देखिए ये हम अंडे और वो डाल रहे हैं भिंडी और अंडे डाल रहे हैं इसे और इसे मुसलसल चलाना है ताकि ये अलग अलग ना हो जाए, अंडे नीचे बैठ जाते हैं अगर इन्हें इसी तरह छोड़ दें तो। ये हमने ये
अंडा नीचे चला गया ना, ज़रा एक सेकंड डालने में देर हुई है। ये आपने भिंडी में मुसलसल मिक्स करना है, इस तरह करते रहना, एक सेकंड भी हाथ नहीं रोकना जब तक ये लगे नहीं आपको कि भिंडी से चिपक गया अंडा। उसी वक्त के मज़े की अंडियाँ बनेंगी और मज़ा भी आएगा आपको बहुत ज़्यादा। और आँच आपने बिल्कुल हल्की ही रखनी है ताकि ये नीचे लगे नहीं। पकने के बाद जब बिल्कुल, जैसे आपको पता ही होगा, हमने बंद और वो ये देखें, ये अंडा भिंडी लिपटते जा रहे हैं आपस में, बहुत प्यार मोहब्बत हो गया इनमें एक ही दफ़ा में, तो ये प्यार मोहब्बत से लिपटे जा रहे हैं। और जब ये अच्छी तरीके से लिपट जाएंगे ना, तो पक जाएगा अंडा, तो तेल भी बाहर आ जाएगा। ऑयल ऑयल बार बार रखे घर में बोलते हैं ना, तो वो तेल तेल ही निकले जाता है। अब ये अंडा पकने दें, भिंडी भी पक जाएगी। फिर दो मिनट बाद जब ये हो जाएगा तो हम इसके ऊपर कवर कर देंगे इसको पका के। और फिर जब तैयार हो जाए, मैंने इसमें थोड़ा सा हरी धनिया भी डाल लिया है क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है, मैं हर चीज़ में डालती हूँ और मुझे खाना बहुत पसंद है। प्याज में भी डाल के बनाती हूँ और सब्जियों में, गोश्त में, हर चीज़ में मैं डालती हूँ, रोज़ मैं इस्तेमाल करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने हरी धनिया इसमें भी डाल दिया है और हारिस भैया की तरह मैंने हरी धनिया डाला है। वो कहते हैं ना अच्छा लगता है हरी धनिया बहुत मज़े से। मैं ऊपर भी इसको डालूंगी जब ये पक जाएगा, इसमें भी डालूंगी मैं हरी धनिया। ये देखिए ये पक रहा है, मुसलसल चारों तरफ से हो रहा है। आपने हिलाते रहना, इसको छोड़ना नहीं है जब तक ये अंडा वो एक जान दो गालिब ना हो जाए। ना शुरू हो रही है। ये बन गया है और इसे मैंने कवर करा था थोड़ी देर को, ठंडा हो जाए। मैं आपको दिखाती हूँ सर्व करके भी। और ये बहुत मज़ेदार यकीन करें बनिए, आप भी बनाए, पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कमेंट्स किया करें और बताया करें आप किस शहर से किस जगह से मुझे देख रहे हैं, और मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है या नहीं। पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, नहीं पसंद आती तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपका हक है। तो आप कर अल्लाह ताला दस्तरखान वसी रखे, आपको हमेशा पूछ रखे अल्लाह ताला, आपके वक्त में बरकत दे अल्लाह ताला, हर तरह से आप लोग हमेशा खुश रहें। आपकी वजह से मैं आज इस मकाम पे हूँ कि मेरा चैनल काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है, अभी थोड़े समझे और ज़रूरत है। तो आप अच्छे अच्छे कमेंट देंगे और बताएंगे तो मुझे ज़ाहिर है मेरा भी वो हो जाएगा, चैनल और ग्रो हो जाएगा, ग्रोम हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन से आमीन। अल्लाह हाफिज। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी, हर चीज़ आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए आप देखिए बहुत ज़बरदस्त बनी है, इसलिए हमने दिखाई है तो मज़ेदार लगी है, इसलिए हम आपको बना के दिखा रहे हैं कि आप भी मज़ेदार चीज़ें बदल बदल के हर सब्ज़ी को स्टाइलिश अंदाज में बनाया करें ताकि सब लोग खा के खुश हों। अल्लाह हाफिज़।